अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैशमाल में जो पी टू पी बाय और पी टू पी सेल वाला ऑप्शन आया है, उसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है और उसको आपने किस तरह से यूज़ करना है अपने पैसे निकलवाने के लिए जो कि आपके कैशमाल में फंस चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैशमाल ओपन कर लेता हूँ। तो कैशमाल मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि पी टू पी बाय और पी टू पी सेल ऑप्शन को यूज़ किस तरह करना है, सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद मैनेज फंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पी टू पी सेल और पी टू पी बाय ऑप्शन यहाँ पे आपको दो मिल रहे होते हैं। इनके बारे में आपको सारे डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पी टू पी सेल ऑप्शन है वो ये है कि आपके अगर कैशमाल के अंदर पैसे पड़े हैं तो वो आप उनको बेच के अपने इजी पैसा जैज कैश में विड्रा ले सकते हो। मतलब कि ये डायरेक्ट विड्रा नहीं होगा, लेकिन आप पर्सन टू पर्सन सेल कर सकते हैं। पी टू पी से यही मुराद है कि पर्सन टू पर्सन, और पी टू पी बाय का इसे मुराद है कि अगर आपने कैश माल के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इसमें डिपॉजिट लगाना है, तो पी टू पी बाय में आप जाके डिपॉजिट लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे पी टू पी सेल वाला जो ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। इंटरफेस यहाँ पे ओपन जब होगा तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे अमाउंट आपने लिखने है कितने आपने इससे कैशमाल में जितने आपके मतलब मिसाल के तौर पर 200 रुपये है, तो आप यहाँ पे 200 इंटर कर लेंगे। तो 200 आपने विड्रा लेना है, 200 इंटर करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको आई नीड के सामने ऑप्शन मिलेंगे, जैज कैश इजी पैसा बैंक। आई नीड के सामने इधर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, इनमें से जिसमें आपने विड्रा लेना है उस पर लगा लेना है। लगाने के बाद आप जब यहाँ पे पोस्ट लगाएंगे, ठीक है, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फिलहाल तो मेरा जो अकाउंट है वो उसमें बैलेंस नहीं है। तो आपको सारा कुछ बता देता हूँ कि जो पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आपसे ये मांगेंगे इजी पैसा अकाउंट का नंबर दें पहले ऑप्शन में, दूसरे नंबर पे आपको उससे होल्डर नेम मांगेंगे और तीसरे नंबर पे आपसे वो आपकी ट्रांजेक्शन पिन मांगे, वो एंटर करके आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद आपके एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पी टू पी सेल वाले ऑप्शन में जाके किस तरह से आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सॉरी पी टू पी बाय ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो आपको मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि आपकी पोस्ट किस तरह से क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको किस तरह से बैलेंस मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त कोई डील अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी कोई दूसरा यूज़र, आप नहीं कोई दूसरा यूज़र, जैसे ही पी टू पी सेल वाले सॉरी बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, उसको आपकी डील नज़र आएगी कि फलां बंदे ने 200 रुपये का विड्रा लगाया है। वो देखता है कि उसको चाहिए होंगे 200, तो वो पे क्लिक करके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आपको जैज कैश इजी पैसा आपका जो अकाउंट उधर आपने एंटर की होगी, इन्फॉर्मेशन फिल की होगी, वो वहाँ पे आपको भेज देगा। देखिए अब आपने जो अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर होल्डर नेम जो देना है वो सही देना है, तो वो उस पे पैसे भेज के आपको वेरिफिकेशन के लिए कैशमाल के अंदर वो उसका सिस्टम है कि उसने कैसे वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई करके आपको नोटिफिकेशन के तौर पे पता चलेगा कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए वो इन्फॉर्म करेंगे कि आपके जो पैसे हैं वो आपको भेज दिए हैं इजी पैसा जैज कैश में। तो आपने एक बार जब आपको पैसे रिसीव हो जाए तो आपने कैशमाल में आके उसको वेरीफाई कर देना है कि हाँ मुझे पेमेंट मिल गई है, ठीक है। तो वेरीफाई करना भी लाजमी है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करते पेमेंट को तो ये हो सकता है कि आपके जो कैशमाल का अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाए। तो इससे बचने के लिए आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट को वेरीफाई भी करना होता है। तो ये तरीका था पी टू पी बाय के ऑप्शन को यूज़ करने का। तो यहाँ पे पी टू पी सेल का ऑप्शन ये था कि आप जहाँ से कैशमाल से पैसे जो होते हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने इजी पैसा जैज कैश में, पर्सन टू पर्सन सेल कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आपने इस पर क्लिक करके अंदर अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन इंटर करके अपने जो इजी पैसा जैज कैश बैंक अकाउंट जहाँ पे भी आपने मंगाना है कैश मंगवा सकते हैं। इसके अलावा पी टू पी सेल ऑप्शन इस वक्त अनअवेलेबल है, पी टू पी बाय ऑप्शन अनअवेलेबल है। तो सॉरी मेरा पी टू पी बाय और सेल थोड़ा मिक्स हो रहा है, तो उस पर थोड़ा एडजस्ट कर लें। पी टू पी बाय ऑप्शन जो है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगर उस वक्त कोई डील आई हुई हो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इस वक्त कोई भी डील इनकी नहीं आई हुई तो मुझे शो नहीं हो रही है। ये पी टू पी बाय का जो ऑप्शन है इसमें यह है कि आप अगर डिपॉजिट लगाना है कैश मॉल में तो यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे वो डील दी गई है कि फलां बंदा 1,000 रुपये अपने बेचना चाहता है कैश मॉल के, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे और उसके अकाउंट नंबर अंदर एंटर हो दिया हुआ होगा, आप उसके अकाउंट नंबर पर इजी पैसा जैसा वो जो बोल रहा होगा उस पर पैसे सेंड करोगे, आपको उसके 1,000 रुपये जो होंगे वो कैश मॉल में मिल जाएंगे। तो ये सिस्टम है सारा पी टू पी बाय और पी टू पी सेल का। तो यही सारा कुछ इसकी डिटेल है। तो जिसके अगर पैसे कैश मॉल से नहीं निकल रहे तो वो यहाँ से इस तरीके से निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कैश माल और पेयर अकाउंट में से जो आपके पैसे होते हैं रबल्स डॉलर वगैरह वो डायरेक्ट सेल करने हैं, आपने आप कहते हैं कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तो
मेरे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिए हुए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आपसे कैश माल या पेयर में से डॉलर जो चीज़ आपकी हो मौजूद होगी वो मैं ले लूँगा आपसे, और आपको मैं इजी पैसा जैद कैश डायरेक्ट भेज दूँगा। तो ये तरीका है, दूसरा है, ठीक है। तो अगर आपको जो बेहतर लगे आप वो यूज़ कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये जो ऊपर मैंने इस एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस दे रखी हैं, ये रियल अर्निंग वेबसाइट हैं और इनसे मैं खुद विड्रा ले चुका हूँ। इन पर आप वर्क करें और अपनी अर्निंग जनरेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।